प्रार्थना तुम्हें। अक्षय, अक्षय। क्या हुआ मामा? प्रार्थना। प्रार्थना। मॉम क्या हुआ इसे? आई थिंक सीढ़ियों पे से पैर फिसल गया प्रार्थना। ओह गॉड। प्रार्थना। विशाल कॉल द डॉक्टर फास्ट। अक्षय पानी। पानी। प्रार्थना पानी पी। प्रार्थना ये तो पानी भी नहीं पी रही। प्रार्थना खून निकल रहा है। मेरी प्रार्थना ठीक हो जाएगी। उसे कुछ होगा तो नहीं? अक्षय चिंता मत करो, प्रार्थना को कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर आते ही होंगे बस। प्रार्थना प्लीज मेरे लिए एक बार आंखें खोल, होश में आ जाओ प्रार्थना। मॉम कहीं ये सचमुच तो नहीं मर गई? इससे अच्छी न्यूज और क्या हो सकती है? ऐसा हुआ तो मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी। तुम अपने माम के घर जा रही हो? तो क्या करूँगी यार, मैं यहाँ पर पड़ी रहूँ, हर कदम पर मैं बेइज्जत होती रहूँ, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? देखो सिद्धि, मैं तुमसे सॉरी कह चुका हूँ। वहाँ पर सब लोग थे, पूरी फैमिली थी, और खास करके बाऊजी और चाईजी के साथ। इनफ ज्ञान, इनफ। मेरे बाऊजी, मेरी चाईजी, मेरा परिवार, मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ क्या? इन सबके बीच मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ क्या? Am I nothing for you? तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कोई जगह ही नहीं है क्या? देखो सब लोग यहीं पर हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बात करने के लिए जगह चाहिए क्या? और अकेला, और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है, ना तो जगह है और ना ही अकेलापन। सिद्धि प्लीज। नो ज्ञान, इट्स ओवर। अब बात में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है क्या? मॉम मुझे यहां से पिकअप करने के लिए आ रही, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो तुम चल सकते। सिद्धि मैं जानता हूं सिद्धि कि काफी वक्त से तुम्हें मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। ये हमारे इम्तिहान का वक्त है सिद्धि, और ये दौर हमें एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाकर गुजारना होगा सिद्धि, और इस तरह से अलग और दूर जाकर नहीं। मुझे जो देना था और जितना देना था मैं दे चुकी हूँ ज्ञान। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ ज्ञान, मैं जा रही हूँ, और इस बार हमेशा के लिए। मैं जा रही हूँ, और इस बात हमेशा की।
क्या बात है अक्षय जी? जख्म काफी गहरा है, 4 स्टिचेस लगे हैं और चोट सर का है, इसलिए मुमकिन है कि उसका असर उनके दिमाग पे हो। अगर इस चोट का असर प्रार्थना के दिमाग पर होता है तो हो सकता है कि ऐसे केसेस में पेशेंट चीजों को हेलुसिनेट करे, कुछ ऐसी चीजों को देखे जो असलियत में नहीं होती या फिर जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। अक्षय, गो टेक केयर ऑफ मॉम। लेकिन डैड, यहाँ अक्षय, प्लीज डोंट वरी, मैं हूं यहां प्रार्थना के पास। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने ये सब क्यों करवाया मुझसे कि प्रार्थना इस चोट के बाद चीजों को हेलुसिनेट करेगी? देखो डॉक्टर, अक्षय बहुत सेंटिमेंटल है और प्रार्थना के लिए तो बहुत ही इमोशनल है, इसलिए मैं चाहता था कि वो बुरी से बुरी खबर के लिए तैयार रहे। विशाल, इन्हें फीस दे दी तुमने? आइए डॉक्टर। ना परेशान ना हो पत्थर, बैठ जा। ये ज्ञान भी जो है ना बिल्कुल बुद्धू है। क्या है कि जो उसके अंदर होती है ना वही बात बाहर आ जाती है। बिल्कुल तेरी तरह, तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हो, भोले भाले, एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तो फिर पुत्र जी दिक्कत कितने है? हमारा परिवार बहुत तकलीफ में है, बस दिक्कत तो यही है, गलती पुत्र जी हमारी है। ये गलती सदियों से चली आ रही है हमारे यहाँ। लड़की की शादी कर दो, उसे पति के साथ उसके घर भेज, अपनों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर, मायके से सारे संबंध तोड़कर अपने ससुराल वालों को अपना सगा बना। 2 साल जिस घर में बिता दो, उसी घर को जब छोड़ने का मन नहीं करता, तो जो बेटी हमारे घर में बहू बनकर आती है वो सब कुछ भुला दे, ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं हम लोग उससे? और अगर वो ऐसा ना करे तो हम बहू पर सारे इल्जाम लगाने लगते हैं ना। तू बोल, क्या ये सही है? ना ना ना, गलती इसमें हमारी है। हमें उस बच्ची को समझना चाहिए और समझने के लिए उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। अब एक साथ रहेंगे, वक्त गुजारेंगे, तभी तो एक दूसरे को जाने पहचानेंगे, या नहीं? अच्छा बता, चल तू बता कि मेरे को नाश्ते में क्या पसंद है। जी, गोभी के पराठे। अब देख, तुझे तो ये पता है, लेकिन क्या पुत्र, मुझे पता है कि तुझे नाश्ते में क्या पसंद है? नहीं पता मुझे। तो पुत्र, गलती तो सरासर मेरी हुई, तो तेरा नाराज होने का हक तो बनता है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे पुत्र, बहुत बड़ी गलती। तू जा पुत्र, तू अपनी माँ के घर जा। लेकिन जल्दी लौटाना,
ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। मैं क्या हम सब तू हमें एक एक आखिरी मौका जरूर देना पत्थर अपनी गलतियां सुधारने का। हम बड़े होकर बड़प्पन नहीं दिखा पाए, चल तू छोटी सही तू ही बड़प्पन दिखा देना पत्थर। प्रार्थना को इस हाल में बिल्कुल नहीं देख सकती। उसने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है, हमारी खोई हुई खुशियां लौटा दी। अगर आपको गलतियों की सजा देनी है तो आप मुझे दे दीजिए, पर प्रार्थना को नहीं। प्लीज संभालिए अपने आप को। मुझे तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम ऐसे ही हिम्मत हार जाओगी तो प्रार्थना की केयर कौन करेगा? प्लीज अक्षय, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। सोनीपत की लैंड पे जो सिद्धांत टाउनशिप बनाना था, आज बैंकर्स को उसके बारे में प्रेजेंटेशन देना है। व्हाट? प्लीज विशाल, हाउ कैन यू से दैट? आई मीन प्रातः को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? नो वे। कम ऑन विशाल, ऐसे सिचुएशन में तुम अक्षय को एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए कह भी कैसे सकते हो? नो वे। मैं तो सिचुएशन समझता हूं डैड, लेकिन बैंकर्स नहीं समझेंगे। आज अगर प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो एक अच्छा मौका हमारे हाथ से चला जाएगा और आपका सपना डिले हो जाएगा। अपने सपने से ज्यादा मुझे प्रार्थना की चिंता है विशाल। जब तक प्रार्थना ठीक नहीं हो जाती अक्षय कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि अक्षय ने खुद वादा किया था कि डैड का सिद्धांत टाउनशिप का सपना वो ही पूरा करेगा। और अगर आज की प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो डैड का सपना एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। अक्षय, यू डोंट वरी अबाउट दैट। जाओ बेटा, प्रार्थना के पास बैठ जाओ। नहीं डैड, आई थिंक विशाल इज राइट। हम लोग बैंकर्स को लूज नहीं कर सकते। मैं ये प्रेजेंटेशन देने जरूर जाऊंगा। अक्षय, तुम प्रार्थना को छोड़कर नहीं। मॉम प्लीज, और वैसे भी आप सब लोग तो यहाँ हैं ही प्रार्थना के साथ। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, बट प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ। तो हमें प्रार्थना की केयर खास तरीके से करनी पड़ेगी, और वैसे भी जब तक वो होश में आएगी तक हमारे पास सोचने का काफी वक्त है। अब तो ये देखना है कि होश में आने के बाद प्रार्थना को कितना और क्या याद रहेगा। अच्छा तो यही होगा कि उसे इस हादसे के बारे में कुछ याद ना रहे, नहीं तो बेचारी बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। पर प्रार्थना, आपकी मम्मी तो नहीं आ पाई, उन्होंने आपके लिए गाड़ी भेजी है।
सिद्धि पुत्र, जा रही है पुत्र, बिना मिले ही जा रही है पुत्र। चल कोई गल नहीं, जा पुत्र, खुशी खुशी जा और अपना ख्याल रख। बस एक बात याद रखना, यहाँ एक बूढ़ा तुझे समझने के लिए, अपनी गलतियां सुधारने के लिए तेरा इंतजार कर रहा है, और हो सके तो जल्दी लौटाना, ताकि इस बार हम तेरे साथ रहकर तुझे अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये मेरा वादा है, पक्का वाला प्रॉमिस। तुम जाओ और मॉम से कहना मैं नहीं आ रही हूं। Congrats, Akshay. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। विशाल, तुम्हारी हेल्प के बिना ये इम्पॉसिबल था। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ तालियां बजाई। विशाल, विशाल, I'll just go to the washroom. Mr. D'Souza, thank you so much. आपने जो मुझे जॉब देने का वादा किया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट दूंगा, ये मेरी गारंटी। थैंक यू सर। आज मैं ज्ञान कपूर अपने बाबूजी चाय जी की कसम खा करके कि जिस जगह पर तू खड़ा वो जगह बहुत जल्द मेरी होगी। ठकराल नाम के घमंड को मिट्टी में मिलाकर रखूंगा विशाल ठकराल। की गूंज मुझे अभी तक याद है ज्ञान कपूर, और अब तुम मेरे बदले की गूंज की आवाज सुनना, जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। ये मेरा वादा है।